क्या हालचाल है? एक गरीब आदमी क्या सोच रहा है, मोदी जी आएंगे कि नहीं? अब कहा बताए बाबू जी, तुम्हें मोदी से खुश है कि नहीं? अरे गाय यहाँ बहुत छुट्टी बाबू जी भाई, गाय भाई बहुत छुट्टी है ना, मतलब बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी नहीं खुश, गाय चले जा रहे रात जगे जाते, बताओ चौमास की रात में कहीं सांप आप काट गए तो क्या हाल है? बढ़िया है, खुश है? जी हाँ खुश है, खुश है। चाचा क्या लग रहा है, किसान खुश है? खुश है। कितना? काफी खुश है। 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि मोदी जी आएंगे? पता नहीं, बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा, बदलाव होगा, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए भैया, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, हाँ बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, अरे बदलाव होना चाहिए भैया, हाँ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए सर, सर भैया बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए हर चीज। क्यों मतलब बदलाव क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, पे रोटी जो है जितनी चलाएंगे उतनी अच्छी रहेगी, टेस्ट वो बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं है जितनी रोटी तय पे जैसे चलाओ उतनी टेस्ट अच्छा होता है, अगर लगी वहाँ रोटी नहीं चलाएंगे तो जल जाएगी, उसका स्वास्थ्य जल जाए, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तो सरकार जब ज्यादा जिसकी बनती हो करवापन आ जाता है, तो जनता की सुनता नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के अलावा किसी नहीं सुनता है, तो सुनना जो है सरकार को बदलाव आना चाहिए, बहुत जरूरी जो है ये है, सरकार का बदलाव होना चाहिए भैया, सरकार का बदलाव होना चाहिए। आप ये देखिए कि 28 दिन का महीना हो गया है हिंदू राष्ट्र, 28 दिन का महीना समझ रहे हो, रिचार्ज कराइए 28 दिन का महीना, एक रिचार्ज हम कराते थे फ्री में बट रहा था, दय दन दन आदन इनकमिंग होगी, इनकमिंग खत्म, झूठा वादा है, उसको संरक्षण मिल रहा है, आप कोई भी चीज उठाइए, 426 में हमारा सिलेंडर मिलता है, भैया बता रहे हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो उनका अपना व्यू है, 426 में सिलेंडर 14 से पहले मिल रहा था, आज 1200 में मिल रहा है, हम खुश हैं, पेट्रोल कहते थे कि 30 रुपए में हम बेचेंगे, आज 100 पार हो गया है, फिर भी हम खुश हैं, हिंदू राष्ट्र की बात, उनसे ये पूछो कि क्या महिलाओं को उसमें जगह होगी, क्या मसौदा है हिंदू राष्ट्र का? बता रहे है महिलाओं के लिए जगह है, है बताए ना, क्या दलितों के लिए व्यवस्था होगी, क्या माइनॉरिटीज के लिए व्यवस्था होगी, क्या अदर लोगों के लिए व्यवस्था होगी, कोई मैनिफेस्टो तो आए तब उस पर बात की जाए, हिंदू राष्ट्र है क्या बुराई है, हिंदू राष्ट्र कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा मोदी जी, मोदी जी लाल किले से बोले हैं कि हम तीसरी बार आ जाएंगे, आप मोदी जी आ जाएंगे वो तो अपने मन में बात कर लेते हैं, जनता के मन की बात जो है जब आएगी तो पता चलेगा, मन की बात जनता की नहीं सुनते अभी तक, सुनी हो तो बताइए, कोई एक प्रोग्राम ऐसा किया हो जिसमें आपको सवालों का जवाब दिया हो, मीडिया के सामने ही बात कर लें, ये ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, बस सिर्फ हम 15 मिनट लेते हैं आप लोगों का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई में जो निकल कर बाहर आया है और जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखिए उसके बाद तय करिए कि आने वाला वक्त 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कौन जीतने वाला है, ये तो हम तय नहीं करते लेकिन जनता जरूर तय करती है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप ही कमेंट्स में अपना राय दे दीजिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।